जाएंगे, खीर गंगा ट्रैक बहुत फेमस है। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम चार लोग घूमने के लिए गए थे बरशेनी। हमने सोचा बरशेनी जाएंगे और सीधा हम ट्रैक करेंगे। फर्स्ट ट्रैक था, फर्स्ट ट्रैक के लिए हम जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो गई कि हमने बच्चों के साथ ट्रैक को कैंसिल कर दिया। फिर हम बरशेनी में स्टे कर लिया हमने। तो बरशेनी में लोग स्टे नहीं करते हैं, यंगस्टर वो ट्रैक के लिए जाते हैं। बरशेनी एक स्टॉप है, आपका लास्ट स्टॉप है, जो कि आप बस से जा सकते हैं, उससे आगे बस नहीं जाती है, स्टॉप। उसके बाद जो भी आप वहाँ इंटीरियर्स में जाएंगे, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो बरशेनी से आगे लोग जो खीरगंगा ट्रैक करते हैं, जो एक दिन जाने का और एक दिन आने का, इसलिए वहाँ पर लोग रुकते हैं सिर्फ अपना लगेज रखने के लिए और सीधा वो चढ़ाई करते हैं। लेकिन हम बरशेनी रुके, इवनिंग हो चुकी थी, तो हमने वहाँ स्टे किया। नेक्स्ट डे हमने सोचा कि अब चले, लेकिन हम इस बरशेनी भी इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आप अगर एक दिन के लिए सोचेंगे तो आप कम से कम चार दिन रुक कर जाएंगे। बिकॉज मैं तो चार दिन रुक कर आई थी वहाँ पर। आप बरशेनी, जैसे हम बरशेनी पे खड़े हैं, सामने आपको कुछ गांव दिखेंगे, फुलगा लेक, और छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन ये छोटे छोटे गांव बहुत खूबसूरत है। लोग मनाली जाते हैं, लोग शिमला जाते हैं, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि मनाली शिमला मत जाइए, आप छोड़ दीजिए, बहुत ट्रैफिक है। घूमने अगर जाना है तो थोड़ा सा अपना अंदाज़ा बदल लीजिए, बिकॉज जो इंटीरियर है वो बहुत खूबसूरत है। बरशेनी के बाद हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया तोश के लिए। दो तीन ऑप्शन थे हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बरशेनी के बारे में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वहाँ की एक ख़ास बात ये है कि बरशेनी में हमने जब विज़िट किया उनके गाँव को, जब हम वहाँ दो तीन दिन रुके, तो हमने सोचा कि इनके गाँव को विज़िट करना चाहिए। तो गाँव में विज़िट करा हमने, तो हमें वहाँ पर मंदिर मिला, तो हमने कहा मंदिर के दर्शन कर लिए जाए। लेकिन वहाँ मंदिर पर लिखा हुआ था, कोई भी हमारे मंदिर को टच नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही ख़ास बात मैंने वहाँ पर देखी है, केवल वहीं देखी है, मैंने कहीं नहीं देखा। मैं जितने इंटीरियर्स आपको बताऊँगी उसके बारे में बताती जाऊँगी आपको कि ये बहुत ही ख़ास बात है कि वहाँ लिखा हुआ था कि आपने मंदिर की दीवारों को टच नहीं करना है। अगर आपने मंदिर की दीवारों को टच किया तो आपको फाइन लगेगा। कोई बात नहीं, मंदिर बंद भी था, हमने उसको टच नहीं किया। लेकिन वहाँ उनके राजा की एक यात्रा निकल रही थी, राजा को इन द सेंस कि उनके भगवान, उनकी यात्रा निकल रही थी। वहाँ के लोग हमें मिले, हमने उनके रेजिडेंस देखे, लकड़ियों के उनके रेजिडेंस थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत फैमिलियर लोग थे उनको, बहुत अच्छा उन्होंने ड्रेसअप उनका था, बहुत मज़ा आया हमें। लेकिन बस यही हमें लगा कि हम उनके मंदिर को नहीं देख सकते। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तोश के लिए। तोश भी हमारा एक ट्रैक है, खीरगंगा ट्रैक तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने तोश का ट्रैक किया। तोश के लिए आपको 30 मिनट्स लगते हैं वॉकिंग अगर आप करेंगे तोश की एंट्री पर। अदरवाइज़ वहाँ टैक्सी जो है वो आप उसको लेके वहाँ जा सकते हैं। हम टैक्सी से तोश पर पहुँचे। बस तोश के जो इंटीरियर में आप जाएंगे, बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, बढ़ते जाएंगे, आपको सेब के पेड़ मिलेंगे रास्ते में, आपको आलू के पेड़ मिलेंगे। हमने बहुत अच्छे अच्छे सेब वहाँ तोड़े, बिल्कुल हरे हरे सेब, मज़ा ही अलग आया। उसके बाद वहाँ होटल्स भी थे, लेकिन हम होटल्स में नहीं रुके। हमने सोचा कि क्यों ना अगर असली मज़ा लेना है तो हम टेंट में रुके। बहुत सुंदर नज़ारा था, हम टेंट ढूंढते गए और बीच में हम टेंट का रास्ता भूल गए। तो जब हम टेंट का रास्ता भूल गए तो आप वहाँ देखेंगे कि कोई रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं था। अब आप सोचिए कि हम जाएं कैसे, और वहाँ पर पूरी पार्वती रिवर बह रही है बहुत ही ज़्यादा फ्लो में, क्योंकि बरशे तोश के ऊपर एक वाटरफॉल है, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा फ्लो में एक हमारी रिवर बह रही थी। बड़े 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 पत्थर थे, आप सोचिए कि हम उन पत्थरों को पार करके उस जगह पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं। रियल में बहुत ही अमेजिंग लगा हमें, हमारा ट्रिप बहुत मज़ा आया। और जैसे ही हमने वहाँ स्टे किया, बिल्कुल सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। हम टेंट में रुके और टेंट में चली गई लाइट। बच्चों ने बोला जब तक फ़ोन चल रहे थे तब तक तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही फ़ोन बैटरी फिनिश, बच्चे बोले कि भाई अब क्या करें।
लेकिन आप देखेंगे वहाँ जो और भी गेस्ट थे उनके पास कुछ अपने डेक्स वगैरह थे, वो चले, डांस भी हुआ वहाँ, बोनफायर भी हुआ, बहुत एंजॉय किया। लेकिन उस दिन रियल में हमने एंजॉय किया है कि अगर लाइट चली जाए, हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं हो, तो हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। कैंडल लाइट हमने डिनर किया, कैंडल में हम टेंट में रुके, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको कहूँगी कि होटल में रुकने की बजाय आप ऐसी जगह रुकिए जो कि आप मज़ा ले पाए। कुछ आशा करूँगी कि आप जब भी जाएँ तो आपके लिए लाइट नहीं जाए, क्योंकि वहाँ बस थोड़ा सा लाइट डिस्टर्बेंस हो गया, बाकी बहुत अच्छा नज़ारा था। आप मॉर्निंग उठेंगे, बहुत सुंदर सुंदर टेंट्स थे, आपको बहुत आरामदेह टेंट हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो आगे इसके नेक्स्ट मैं आपको अपनी जर्नी लेकर चलती हूँ बशेरोज के आगे। हरोज बहुत ही खूबसूरत है, ये कुछ छुपे हुए प्लेस हैं, तो इसलिए आप इनको ज़रूर विज़िट करिएगा अगर आप सुकून चाहते हैं। तोश के बाद हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया कसोल। कसोल आप सब जानते हैं, मिने इसराइल कहते हैं। तो जब भी देखेंगे कि कसोल आप हिप्पीज मिलेंगे, ये मिलेंगे, कसोल में ये है, बट नथिंग एल्स। कसोल में कुछ भी नहीं है। कसोल जाकर तो हमें ये लगा कि जितना हमने कसोल के बारे में सोचा था, हम ये कहाँ आ गए। लेकिन उसके बाद जहाँ हम पहुँचे वो रियल में एक सपनों की जगह थी। और मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर एक बार आप विज़िट करेंगे तो आप साल में एक बार ज़रूर विज़िट करेंगे। बिकॉज कसोल को जो जाना जाता है वो चरस के लिए जाना जाता है। लोग वहाँ चरस का नशा करने के लिए आते हैं, यंगस्टर्स बहुत आते हैं वहाँ पर। हाईलाइट कसोल है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि कसोल में कुछ नहीं है, जो भी है वो इंटीरियर में है। हम कसोल एक दिन रुके, हम बहुत बोर हो गए, कुछ भी नहीं था कसोल में। हमने सोचा हम कहाँ आ गए। तब हमने आगे एक दो से पूछा अब कहाँ जाना चाहिए हमें, तो उसने कहा कसोल के पास है, वो भी ट्रैक है हमारा, छलाल। छलाल हम गए, हम एक दिन के लिए छलाल गए थे, लेकिन आप इमेजिन करेंगे मैं 4 डेज छलाल रह कर आई। छलाल गए, जैसे जैसे ट्रैक किया वो भी आप समझेंगे कि हमने पहाड़ों को बड़े बड़े पत्थरों से कूद कूद के हम लोग वहाँ पर गए। बहुत खूबसूरत है, बहुत पतली पतली रोड सड़क है, पहाड़ों को काट के जो रास्ता बनाया गया है बहुत खूबसूरत है। और एक तरफ के आपके पास पार्वती वैली बह रही है, पार्वती नदी बह रही है। पूरे इस घाटी को पार्वती वैली के नाम से जाना जाता है, पूरे इस एरिया को। तो आप देखेंगे एक तरफ छन छन करती हुई हमारी पार्वती नदी बह रही है और एक तरफ हम ट्रैक कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। हम वहाँ रुके, जिस होटल में हम रुके होटल भी बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल बस आप रूम से बाहर देखेंगे तो क्या खूबसूरत नज़ारा है, ये आप मेरी पिक्स में देख सकते हैं। जिसे सुकून चाहिए उसे छलाल ज़रूर जाना चाहिए। हमने बहुत सारे विजिटर्स से बात करी तो वो लोग बोलते हैं हम 6 महीने में यहाँ आते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ रुकी तब मुझे फील हुआ कि रियल में ये प्लेस इतना खूबसूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप चरस के लिए वहाँ जाएं, उसकी खूबसूरती के लिए वहाँ जाइए, गलत काम करने मत जाइए, पर एक अच्छा खूबसूरत प्लेस को देखने आप ज़रूर विजिट करिए। फिर हम एक नेक्स्ट होटल में, हमने 2 होटल्स चेंज करे। एक होटल में रुके, कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी वहाँ। हमारे साथ के होटल में सारा दिन म्यूज़िक बजता था, रेट्रो म्यूज़िक बजता रहता था सारा दिन। फिर हमने उस होटल को विज़िट किया तो बस आप वहाँ जाकर तो बस आप समझे कि हर आदमी वहाँ झूम रहा था, रेट्रो म्यूज़िक सारा दिन वहाँ चलता, रात में कोई नहीं सोता वहाँ, सब बस म्यूज़िक और अपने अपनी एक्टिविटीज़ में लगे रहते, कोई किसी को कुछ भी नहीं कहता, सब इंजॉय करते। आपको इतना खूबसूरत होटल है, सारा इंटीरियर उसका वुड का है, आप चाहे लॉबी में बैठिए, गार्डन में बैठिए, म्यूज़िक रहिए, इंजॉय करिए, ओनली इंजॉय, ओनली इंजॉय, ओनली इंजॉय। तो मैं छलाल की जो मेरी यात्रा थी लॉकडाउन से पहले की जो यात्रा थी वो एक बहुत ही यादगार यात्रा रही मेरी। और मैं वहाँ के होटल ओनर्स को बोल कर भी आई थी कि रियल में ये प्लेस इतना दिल को छू गया है
कि चला लाना तो हर 6 महीने में बनता ही बनता है, बट ड्यू टू लॉकडाउन मैं नहीं जा पाई। लेकिन जब भी ये लॉकडाउन ओपन होगा हम जा सकेंगे तो रियल में बहुत खूबसूरत है, और एक पलाना देखने की भी बहुत इच्छा है कि अगर आप कुछ डिफरेंट चाहते हैं पहाड़ के लिए तो मलाना भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए। मलाना जब मैं जाऊंगी तो मलाना को एक्सप्लोर करूंगी आपके साथ, क्योंकि मलाना के लिए बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें हमने सुन रखी हैं, तो देखना भी बनता है। लेकिन आप मेरे साथ इस जो तुम्हारा ये ट्रैक है आप उसको ज़रूर विज़िट करिएगा, रियल में बहुत अमेजिंग हमारा ये ट्रिप है। अगर आप कुछ इस टाइप से अपनी ट्रिप को आगे आगे बढ़ाएंगे तो आपको घूमने का मज़ा डबल हो जाएगा। बस आपने बस थोड़ा सा हट के थोड़ा इंटीरियर में वहाँ के लोगों से बात करके जो उसका इंटीरियर है आप उसको अगर देखेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, आपको लगेगा कि हमने बहुत ही खूबसूरत जगह देखी है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि चलाल बहुत खूबसूरत है, और चलाल में जो ब्राउनी मिलती है वो आपको मेरे यूट्यूब पर मिलेगी। वहाँ पर केवल एक ही रेस्टोरेंट एक ही होटल है जिसके नीचे लिखा था चलाल ब्राउनी बेकरी, तो चलाल की जो ब्राउनी है मुझे लगा कि मैं जब लेने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 10 मिनट रुकिए मैं ब्राउनी लेती हूँ। तो 10 मिनट में ब्राउनी कैसे मिल सकता है, तो मैंने उस लेडी को बोला कि मैं क्या आपके साथ देख सकती हूँ कैसे ब्राउनी बना रही हूँ। तो वो मुझे अपने किचन में लेकर गई, कोई माइक्रोवेव नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था उनके पास। मैंने कहा आप ब्राउनी कैसे बनाओ, उन्होंने एक बिस्किट से हमें ब्राउनी बनाई, मेरे सामने बनाई, मैंने भी ब्राउनी सीखी, मुझे भी सिखाया। बस मेरी ब्राउनी में फ़र्क इतना था कि मेरी ब्राउनी में हैश नहीं था, हमने विदाउट हैश ब्राउनी ली थी। रियल में वहाँ पर जो ब्राउनी मिलती है वो हैश डाल के मिलती है, इसलिए हैश ब्राउनी बहुत फेमस है। लेकिन हमने सादा ब्राउनी ली है। ब्राउनी की रेसिपी आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, रोज पेटल्स कुकिंग क्लासेस पे कसोल ब्राउनी के नाम से, चलाल ब्राउनी के नाम से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जो लोग नहीं जा सकते हैं उनको मैं कसोल और चलाल की यात्रा करा रही हूँ, उसके लिए रूबरू करा रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही जो जो चीज़ें हमने इंटीरियर विजिट करा है मैं आपको शो करूँगी। आई होप आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत ही जल्द मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए।